और अब बात महाशिवरात्रि के मौके पर देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जलार्पण को लेकर देर रात से श्रद्धालु लंबी कतार में लग गए थे। प्रातः काल 3 बजे मंदिर का पट खोला गया और सरदार पंडा की अगुवाई में षोडशोपचार विधि से बाबा भोलेनाथ की प्रातःकालीन पूजा संपन्न की गई। तकरीबन 45 मिनट तक ये विशेष पूजा चलती रही और इसके बाद मंदिर का पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया ताकि श्रद्धालु आए, जलार्पण करें, अपनी कामना के लिए भगवान से गुहार लगाए। तो मंदिर का पट खुलते ही हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। हालांकि प्रशासन ने जो रूट तय किया उसी रूट से शिव बारात भी निकाले जाने वाली है। वही प्रशासन की ओर से जो धारा 144 की बात की जा रही थी वो साफ कर दिया गया है कि ये मंदिर क्षेत्र में या मेला क्षेत्र में लागू नहीं है, ये बाकी जगहों के लिए है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही वो धारा 144 लागू की गई है। तो चलिए फिलहाल देवघर में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरीके से यहां पर शिव भक्त पहुंचे हैं, उनका उत्साह कैसा है, वो सब कुछ देखना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ही आकर्षक जो है वो ये नजारा देखने को मिलता है। तो हम सीधा रुक कर हमारे सहयोगी दीप नारायण का जो वहां सीधा जुड़ रहे हैं और उन्हीं से जानते हैं कि फिलहाल बाबा मंदिर में लगभग एक अनुमान के तौर पर कितने श्रद्धालु दर्शन कर चुके होंगे और कितने दर्शन करेंगे, क्या उम्मीद लग रही है दीप नारायण, कितने लोग अब तक जलार्पण कर चुके होंगे, बाबा के दर पर मत्था टेक चुके होंगे। जी देखिए, जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख भक्त जो है वो यहाँ दर्शन और पूजन के लिए आएंगे और तकरीबन आप कह लें कि 1 लाख के लगभग भक्तों ने पूजा अर्चना कर भी ली है। हालांकि आज जो है समय थोड़ा कम रहता है लोगों के पास क्योंकि 4 प्रहर की यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो इस लिहाज से देखें तो जो अनुमान लगाया गया था वो भीड़ जरूर चली आई है, लेकिन अभी हम जहाँ मौजूद हैं वो अब शिव बारात की तैयारी जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। और आप मेरे साथ यहाँ समिति के सदस्य हैं, उनसे हम जानने की पहले कोशिश करते हैं कि वाकई में क्या स्थिति यहाँ पर है, क्या तैयारियां कितनी पूरी हो गई है और क्या क्या मुख्य आकर्षण होंगे और कब तक बारात निकलेगी। देवघर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में श्रेष्ठ कामना ज्योतिर्लिंग भगवान महादेव का नगर है। यहाँ वर्ष 1994 से लगातार हम लोग शिव बारात निकालते आए हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय राजनारायण खवाड़े जी, जो देवघर नगर निगम के महापौर भी रहे, उनके नेतृत्व में गत वर्षों शिव बारात का सफलतापूर्वक आयोजन होता रहा और 2 साल विगत 2 वर्ष से कोरोना वैश्विक महामारी के कारण यह आयोजन हम लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार नए उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमारे युवा नेता जो अध्यक्ष के रूप में हमें प्राप्त है अभिषेक आनंद झा जी, उनकी ऊर्जस्वित कार्यशैली के तहत सभी कार्यकर्ता मनोयोग से शिव बारात को सफल करने में लगे हुए हैं और इसमें हमारे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के विकास पुरुष माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी की अहम भूमिका है। उन्होंने कोरोना के वैश्विक महामारी से पीड़ित बाजार की अवस्था को देखते हुए इस बारात के संपूर्ण खर्च को स्वयं वहन करने का निश्चय किया है। उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से इस बार पूरे उत्साह के साथ नगरवासियों के द्वारा यह शिव बारात निकल रही है। शिवरात्रि महोत्सव समिति देवघर के तत्वावधान में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। मैदान में झांकियों के आने का सिलसिला जारी है जिन्हें हमारे कार्यकर्ता यथास्थान लगा रहे हैं और लगभग 6 बजे संध्या को यह बारात देवघर की सड़क पर धूमधाम से निकलेगी, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन देवघर में हो गया है। चारों की भीड़ का आलम बिल्कुल इस बार एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने ये पहल की थी कि 2 साल वैश्विक महामारी में जब ये बारात का आयोजन नहीं हो पाया था तो गोड्डा सांसद ने इस पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया और इस बार फिर से एक नई कमेटी का गठन हुआ जिसमें कि अभिषेक आनंद झा को अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, और जाहिर सी बात है कि देखिए इस बार बड़ी धूमधाम के साथ में शिव बारात निकाली जाएगी। देखिए 2 साल तो नहीं निकाली जा सकी थी, लेकिन इस बार बहुत ही विराट और भव्य तरीके से जो है वो शिव बारात निकलेगी।
कहा जा रहा था कि इस शिव बारात में बहुत सारे जो सेलिब्रिटी भी शामिल होने जा रहे हैं, तो कौन कौन लोग पहुंच चुके हैं या कब तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी थोड़ी सी हम चाहेंगे कि शिव बारात में हम किने किने देख पाएंगे, दर्शक किने किने देख पाएंगे। देखिये गोड्डा के सांसद ऋषिकांत दुबे ने जिस समय शिवरात्रि शिव बारात की घोषणा की थी उस समय संजय दत्त से लेकर भाग्यश्री और तमाम भोजपुरी स्टार आने वाले थे, लेकिन जैसा आपके आपको मालूम है कि 144 का जब ये मामला आया तो उसमें इस मामले को थोड़ा सा विराम दिया गया, लेकिन अब जो सेलिब्रिटी शिव बारात में शामिल होंगे उस सेलिब्रिटी में सबसे पहला नाम जो है वो सांसद और भोजपुरी सिने स्टार जो है मनोज तिवारी साथ में रहेंगे, और कल दीपक ठाकुर ने भी अपना प्रोग्राम दिया था, उसके अलावा भाग्यश्री अभिनेत्री रहेंगी यहाँ पर, और कहा जा रहा है कि और कई जो दिग्गज स्टार हैं वो भी अचानक पहुंच सकते हैं, वो एक सरप्राइज आइटम रखा गया है यहाँ पर, लेकिन शिव बारात की जो भव्यता इसके पूर्व में थी उस ये भव्यता काफी बड़ी दिख रही है इस बार, लोगों को भी अनुमान नहीं था कि जिस शिव बारात को इतना समय लग जाता है, लगभग 4 से 5 महीने पहले तैयारियां शुरू होती है और उसके बाद 2 महीने से इसको मूर्त रूप देने में लग जाता है और 1 महीने मूर्ति सज्जा में लग जाती है, लेकिन इस बार 20 दिनों में ये सब कार्य किए गए हैं और शिव बारात की जो आप भव्यता देखेंगे रूट को लेकर जो कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है तो क्या रूट होगा ये भी जानेंगे, और कितने बजे इसकी शुरुआत होगी और क्या क्या प्रक्रियाएं की जाती है शिव बारात निकालने को लेकर। देखिए हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दें कि देखिए ये इसी KKN स्टेडियम से तकरीबन 6 बजे ये बारात यहाँ से निकलेगी और जिसमें कि 100 की संख्या में झांकियां रहेंगी, उसके बाद भूत बैताल की संख्या 150 से ज्यादा रहेगी और तमाम शिव धुन पर ये सभी स्टार जो आ रहे हैं उनके साथ ये बारात इसी स्टेडियम से निकलेगी, और आपको एक और खास बता दें कि इस बार की जो मानव दत्त जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है और जिस तरीके से अभिषेक आनंद झा जो कि अध्यक्ष हैं इनके, उन्होंने जिस तरह से जानकारी दी है कि ये जो शिव बारात है ये अविश्वसनीय अकल्पनीय होगी, और सांसद ने चूंकि आपको बताया कि कोरोना के महामारी से सभी जूझे, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत व्यापारियों के सामने आई, इसलिए सबसे पहले पहल सांसद ने ये की कि पूरे शिव बारात की जो झांकियां हैं और इनमें जो खर्च आता है वो सांसद के सौजन्य से आया, वो उसके बाद अभिषेक आनंद झा ने इस पूरे कार्यक्रम को कराने का बीड़ा उठाया और अब ये सब कुछ मूर्त रूप में अब देखने को मिल रहा है इसी स्टेडियम में। आप देखिए कि तमाम जगहों पर अब मूर्तियां आनी शुरू हो गई है, तरह तरह की जो कलाकृतियां बनाई गई है वो आनी शुरू हो गई है, और इसके बाद आप जो साजो सज्जा है मेकअप का काम है वो अंदर चल रहा है, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, और इस बार सबसे खास बात यह है कि ये शिव बारात भले लंबी ना हो पाई हो, मामला कोर्ट तक चला गया हो, पूर्व की भांति ही पुराने रूट लाइन पर जरूर निकलेगी, लेकिन इस शिव बारात को निकालने के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ी थी और प्रशासन का काफी सहयोग नहीं मिल पाया, ऐसे में लोगों को लगा कि शायद कमियां रह जाएगी, लेकिन तैयारी जिस जोश खरोश के साथ हो रही है और जिस तरह से अध्यक्ष अभिषेक आनंद झा और गोड्डा सांसद ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उस पर, लेकिन एक बात जो हम लगातार निशिकांत दुबे के जरिए सुन रहे हैं कि थीम G20 का होगा, मतलब कैसा होगा थीम, कैसे हम समझे, मतलब एक आम लोग कैसे समझेंगे G20 का थीम को क्या होगा उसमें, मतलब क्या थीम रहेगा। देखिए ये सामने हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये G20 का यहाँ पर है, देखिए ये बात आ रही थी जब G20 में का प्रतिनिधित्व भारत कर रहा है, तो ये सामने जो आप तस्वीरों के माध्यम से ग्लोब देख रहे हैं ये ग्लोब तैयार किया गया है जो कि रात्रि में इसका लुक बदल जाएगा, और सामने जो है वो BJP का एक कमल फूल का निशान भी बनाया गया है, और इस पूरे मेले के थीम को G20 का नाम दिया गया है, और चूंकि भारत विश्व गुरु की राह पर निकल चुका है तो
ऐसे में इस शिव बारात में चूंकि लाखों लोग शामिल होते हैं तो इसका व्यापक प्रचार प्रसार और लोगों को खुद पे अभिमान होगा कि भारत G20 का नेतृत्व कर रहा है, इसलिए इस शिव बारात में G20 के स्वरूप को दिखाया। बात ये भी दीप नारायण की ठीक है, जैसा आपने कहा कि G20 का जो ग्लोब है वो यहाँ पर रहेगा, लेकिन उसमें जो कमल का फूल बनाया गया है, क्या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दूसरे दलों से इत्तेफाक रखते हैं, क्या वो जस्टिफाई कैसे करेंगे इस चीज को? नहीं देखिए, ये कमल फूल उसको एक सिर्फ सिंबल बनाया गया है, उसमें ना किसी पार्टी का नाम लिखा हुआ है और ना ही इसमें आप कह लें कि कोई राजनीतिक कोई कलर देने की कोशिश की गई है। ये पूरे में आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इस G20 को लेकर सिर्फ ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु की तरह अग्रसर है और अभिषेक आनंद को ऊंचा रखे, अपने लक्ष्य को बड़ा रखे ताकि हर भारतीय के जरिए भारत भी मजबूत हो सके। और जाहिर सी बात है, कमल फूल की बात अगर निकल भी रही है तो ये कमल फूल पर तो सरस्वती भी विराजती है, कई देवी देवताओं के हाथ में भी होता है, तो इसको किसी पार्टी से ना जोड़ा जाए, साफ तौर पर यहाँ पर है। बहुत बहुत शुक्रिया दीप नारायण हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी कि किस तरीके से शिव बारात की शुरुआत होगी, क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा, कितनी भीड़ हो सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।